ओम हरि ओम तत्सत। हजारों प्रिय मित्रों, शुभचिंतकों के प्रेम भरे सहज परामर्श पर मौन नामक अमृत तुल्य विषय पर स्वयं से रिकॉर्ड करके ऑडियो नंबर एक आज मैं डॉक्टर वेदव्यास जयप्रकाश नारायण जी द्विवेदी सब मित्रों को भेज रहा हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। यह मेरे स्व अनुभव पर आधारित व्याख्यान है। आपके प्रश्न स्वागत रूप से मैं निमंत्रित करता हूँ। और हाँ, ओम मौन योग ध्यान साधना सीखने के लिए व्यक्तिगत फ़ोन या मैसेज करें। मौन के बारे में हम सब जानते हैं। करोड़ों की संख्या और लाखों प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, इस अद्भुत मानव शरीर के अंदर। इन कोशिकाओं को हमेशा अनंत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं। उनकी रिपेयरिंग भी होती रहती है। चमड़ी, बाल से लेकर आंतरिक व बाह्य सभी अंग प्रत्यंग, हड्डियाँ, मज्जा, मांस, नाखून आदि सभी लगातार ऊर्जा का उपयोग समुचित मात्रा में स्वयं ही करते रहते हैं। जागृत या सुषुप्त अवस्था हो, स्वस्थ हो व्यक्ति, शरीर बीमार हो, सामान्य आरामप्रद व्यक्ति हो, स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या युद्ध भूमि से संबंधित कोई व्यक्ति हो, किसी भी व्यवसाय या किसी भी क्रियाकलाप से जुड़ा हो, बच्चों से बूढ़ों तक सभी स्त्री पुरुष के शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा का उपयोग अपने पोषण और स्वास्थ्य के लिए करती रहती हैं। शाकाहार और ध्यान तथा योग से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये कोशिकाएँ अथक प्रयास करके हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाती रहती हैं। शारीरिक क्रियाओं जैसे दौड़ना, चलना, बैठना, बोलना, देखना आदि के सिवाय भी ऊर्जा का ह्रास और अपव्यय हमारे चिंता तथा ईर्ष्या, सोचने आदि से भी बहुत खर्च होता है। किंतु सुनना और न या कम बोलना ऐसी प्रक्रियाएं जिनसे ऊर्जा की बचत होती है, कोशिकाओं द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा शक्ति की खपत को कम किया जा सकता है। अर्थात सुनना, अधिक से अधिक सुनना और कम बोलना या न बोलने से कोशिकाओं के द्वारा जो ऊर्जा का खपत होता है उसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आवश्यकता से अधिक तीव्र श्वास में मय की भयमय परिस्थिति में आँखों की चकमक कुदृष्टि से अत्यधिक शक्ति का ह्रास होता है और व्यक्ति जल्दी थका थका महसूस करने लगता है। अतः इंद्रियों को स्वच्छंद नहीं किंतु स्वयं के नियंत्रण में रखना चाहिए। मनुष्य का यह परम धर्म है और वैज्ञानिक धर्म कर्म है। इंद्रिय मौन का परिचय व परिणाम इंद्रियों को अनुशासित व जागृत करने से प्राप्त होता है। इंद्रियों को पूर्ण जागृत रखना पवित्र, उन्नत और अनुकरणीय जीवन का लक्षण है। इंद्रियों को जीतने का अर्थ यह नहीं है कि उनका दमन किया जाए। उदाहरण के लिए, स्वयं की आँखों के मौन का अर्थ है खुली या बंद आँख की दृष्टि पर स्वयं की नज़र रखना, ध्यान व नियंत्रण रखना, जो संस्कारशील अनुशासित नियमित अभ्यास से संभव होता है। हाँ, समय लग सकता है, कोई बात नहीं, समय है हमारे पास। अपनी आँखों को मौन कर न सके किंतु हम आदतवश दूसरों की आँखों को मौन करने का असफल दुस्साहस हर पल तो अवश्य करते ही रहते हैं। मौन आँखों को त्रिकाल दृष्टि मिलती है, ब्रह्मांड का दर्शन होता है, सभी प्राणी सम और निर्मल हृदयी हो जाते हैं। शारीरिक काम वासना की जगह शुद्ध आत्मिक प्रेम की अनुभूति होती है, वह समर्पित श्रद्धायुक्त भक्ति का मार्ग दिखता है। आप स्वस्थ होने लगते हैं। भूत या भविष्य में जीने की जगह आप वर्तमान में प्रफुल्लित आनंदित रहकर जीना सीखने लगते हैं। आँखों को मौन करने से आकाश की गहराई, प्रकृति की निर्मलता, माँ के गोद की संतुष्टि, अपने स्वयं से स्वयं का आलिंगन का अप्रतिम आह्लादित घड़ी का एहसास, सार्वत्रिक अनंत सुख दिखाई देने लगता है। आँखों के मौन
की प्राप्ति एक दैवीय और रोमांचकारी सिद्धि है, जिसे आँख फोड़कर या मोड़कर नहीं किंतु सम्यक जागृति प्राप्त करने से होता है। देखते हुए भी न देखने योग्य को न देखना जागृत आँख का मौन कहलाता है। आँखों का स्पर्श व्यक्ति से व्यक्ति के प्रति क्रोध, प्रेम, आज्ञा, करुणा, आत्मीयता, आशीर्वाद, ईर्ष्या, लोभ, कामुकता, अशुभता, पवित्रता और सम्मान आदि सबका संज्ञान दिलाता है। अतः प्रयासपूर्वक आँख को जागृत मौन का अभ्यास व प्रशिक्षण देना प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। आपसे निवेदन है कि अगर आपको ओम, योग, मौन और ध्यान से संबंधित व्यक्तिगत ट्रेनिंग चाहिए तो स्वयं मुझे मैसेज करें या व्यक्तिगत मुझे फ़ोन करें। ओम हरि ओम तत्सत। वेद व्यास जयप्रकाश नारायण जी द्विवेदी।